बहुत स्वागत छत्तीसगढ़ राउंड अप, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अंबिकापुर सूरजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, कोरिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अगर सिर्फ इसी साल की बात कर ली जाए तो ये तीसरी बार इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, अंबिकापुर सूरजपुर में भूकंप के झटके, कोरिया में भी भूकंप के झटके। हालांकि किसी तरह की जनहानि की कोई खबर अभी नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह कि भूकंप के झटकों के जो घटनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, चिंता की बात यह है। झटके आ रहे हैं अभी तो डर लगा है, ये करीब मतलब 5-10 सेकंड के लगभग आया ये, लेकिन पूरा ये हिलने लगा और ये राह चलते आदमी को उतना नहीं पता चला, लेकिन जो घर में बैठे रहे हैं या जहाँ बैठे हैं उनको एहसास हुआ ये। अब ये दूसरा बार है, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना पहले आया था या 1 सेकंड से ज़्यादा ही कुछ झटका आया, 2-3 कंपन हुई और मैं उठ के भागा बाहर। मैं लेटा हुआ था, जस्ट बाहर से आया था, मैं लेटा हुआ था, साथ में देखा पूरी फैमिली बाहर आ गई। तो ये पहली दफा नहीं है, अगस्त और मार्च में भी इसी तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए छत्तीसगढ़ में। रिक्टर पैमाने पर तकरीबन 4 के आसपास अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 के करीब बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर इससे पहले अगस्त में भूकंप के झटके महसूस किए गए, मार्च में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अक्टूबर 2022 यानी आप देख लीजिए 6 महीनों के भीतर चौथा यह मामला है। इससे पहले अंबिकापुर, बैकुंठपुर इसके केंद्र रहे हैं, सूरजपुर इसका केंद्र रहा है। तकरीबन 6 सेकंड तक धरती हिली है इससे पहले, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं 2022 अक्टूबर। उसके बाद मार्च और अगस्त में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस बार जो तीव्रता बताई जा रही है 4.9 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता बताई जा रही है। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे पहले जब अगस्त में भूकंप के झटके आए तब इसकी तीव्रता 3.6 थी रिक्टर पैमाने पर। कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ये तब की हम बात कर रहे हैं, इससे ठीक पहले। और एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 के करीब, अनुमानित तीव्रता है ये। कोरिया से सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, क्या अपडेट इस वक्त भूकंप को लेकर? जी देखिए, बता दूं अंबिकापुर और सूरजपुर में जो है मुख्य जो भूकंप के केंद्र जो रहा है, वही कोरिया जिले के पटना इलाके में है, जो अंतिम छोर जो सूरजपुर सीमा से जुड़ा हुआ है वहां पे ये भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और पटना इलाका जो डर से सहमा हुआ है, इससे पहले जुलाई 2022 से लेकर के अक्टूबर और दिसंबर के माह में सबसे ज्यादा जो कोरिया जिले में झटके महसूस किए गए थे। अंदर माइंस खदाने हैं यहाँ पे संचालित, चर्चा कोल माइंस है और बैकुंठपुर और चिरमिरी कोल माइंस है, जिसके वजह से लगातार जो है भीतरी हिस्सों में जो धरती के निचले हिस्सों में भूकंप के झटके
महसूस किए हैं और कई जो है इससे पहले भी जो है कई बड़े जो भूकंप झटके हुए हैं और लोगों के यहाँ पे हानि भी पहुंची है। ऐसे में ये फिर झटका जो महसूस हुआ है अभी, इससे काफी ज्यादा जो है कोरिया जिले के जो निवासी है पटना इलाके के जो सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं अभी उनको झटका महसूस हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है, लोग घर बाहर से निकले हैं। वही जो इससे पहले जो लगातार कोरिया जिले में झटके महसूस किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं अभी झटका महसूस उससे लग रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ा अनहोनी और हादसा होने का संकेत है और लगातार जो है लोगों में डर का माहौल है। खदानें यहाँ पे संचालित होती है और 4 से 8 तल्ले जो नीचे जो जमीन के भूमध्य के अंदर जो है खदानें जो संचालित होती है, ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं बड़ा डर का माहौल है। जी ठीक। और सुजीत, जितना उस जमीन को मैंने करीब से देखा है पिछले 4-5 साल के दौरान, अचानक से किसी दरार का बड़ा हो जाना, हमेशा वहां से धुआं निकलते रहना, तो सुजीत जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अनहोनी और अब अनहोनी की बढ़ती घटनाएं, इसे आपको समझना होगा। श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबिकापुर से। श्रवण, क्या अपडेट? देखिए, अंबिकापुर में जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उसकी तीव्रता 5 पॉइंट है और लगातार दूसरी बार जो है 15 मिनट में 2 बार झटके लगे लगातार जो है। सरगुजा जो संभाग बात करूं या अंबिकापुर की बात करूं तो लगातार तीसरी बार जो है भूकंप के झटके महसूस जो है हुए हैं। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो सदमे में हैं, लगातार जिस तरह से भूकंप आ रहा है उससे जो यहाँ के जो सरगुजा वासी हैं वो घबराए हुए हैं। आज जब भूकंप आया तो लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और ये कह रहे थे कि फिर दोबारा ना हो, लेकिन पुनः 15 मिनट में दोबारा जो है ये भूकंप लौट कर आया है, जिससे जो है यहाँ के लोग भयभीत हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो अभी भी घरों से बाहर निकले हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिएगा श्रवण। दरअसल सुजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साक्षात जुड़ चुके हैं। सुजीत के पास सीधे हम आपको लिए चल रहे हैं। सुजीत, आपको नजर आ रहे होंगे, इसी तरह खुले मैदान में आपको भी जाना है, घबराना नहीं है, घबराने से सिचुएशन और खराब होती है। सुजीत के पास आपको लिए चलेंगे। सुजीत, अभी कोरिया के बारे में मैं बता रहा था अपने दर्शकों को, लंबा चौड़ा ऐसा एरिया है जहां दरारें अचानक से बढ़ जाती हैं, धुआं निकलते रहता है, आग की लपटें, और ये किसी रहस्यमय फिल्म जैसा लगता है। अनहोनी बढ़ रही है, इसको लेकर चेतने की जरूरत है। सुजीत जी बिल्कुल, लगातार जो है सोनहत इलाके में पिछले अक्टूबर के माह में जो भूकंप झटके आए थे वो धरती के निचले भूमध्य के निचले हिस्से में आया था। लगभग इससे आने से लोगों को लगा पहला जो है कि खदान में ब्लास्टिंग हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था, भूकंप के झटके थे और काफी ज्यादा जो है ग्रामीणों को नुकसान हुआ था। जुलाई सितंबर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर ये जो 4 माह 2022 के रहे वो काफी ज्यादा जो है कोरिया जिले के लिए हानिकारक रहे, कई बड़े झटके महसूस किए कोरिया जिले ने। वहीं लगातार जो है 2023 की बात करूं तो लगातार जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में कई बड़े झटके महसूस किए। और वहीं कोरिया जिले की बात करूं तो लघु और वृहद जो जलाशय है, डैम माना जाता है 99 है, जो वो भी एक बड़ा कारण है भूकंप के झटके के जलाशय का होना। और वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण है खदाने जो निचले भूमध्य के निचले तल पे है और 8 से 10 तल पे है, और कई चिरमिरी के कई ऐसे खदाने है जो 4 से 5 तल के नीचे लगातार काम कर रहे हैं वहां के मजदूर। वहीं कोरिया के सोनहत इलाके में और चर्चा माइंस में खदानों के नीचे जो मध्य भूमध्य में काम कर रहे हैं, ऐसे में भूकंप के झटके महसूस होते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है हादसा होने का डर है। और लगातार भूकंप के झटके आने से संभाग सरगुजा संभाग की बात करूं तो लास्ट टाइम जो सूरजपुर इलाके में जो झटके महसूस किए थे उसका सोनहत जो कोरिया जिले के लगभग 20 किलोमीटर दायरा था, वहां लोगों को झटके महसूस किए गए थे। ऐसे में तमाम जो लोग है चर्चा की बात करूं या सुनत की बात करूं या चिरमिरी की बात करूं, लगातार जो है भूकंप के झटके महसूस लगातार लोगों को हुआ है, ऐसे में काफी ज्यादा जो हानि हुई है। और वहीं अभी जो है वर्तमान में सूरजपुर इलाके के पटना इलाके में हुई है और वो सीमावर्ती इलाका है सूरजपुर का, ऐसे में जो वहां के लोग हैं ग्रामीण है किसान है सभी डरे हुए हैं। और अभी जो लगातार जो है बारिश के वजह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लगातार जो बारिश हो रहे थे वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जलाशय डैम जो मैंने आपको बताया 99 से अधिक है यहाँ पे डैम और 56 से अधिक जो है डैम वो बड़े डैम है यहाँ पे जो सोनहत इलाके में ही आते हैं। ऐसे में डैम और खदान दो ऐसे मुख्य कारण है जो लगातार कोरिया इलाके में कोरिया क्षेत्र में जो है भूकंप के झटके महसूस कर रहे लोग। बिल्कुल, बांध
और खदान, दो महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ सुजीत इशारा कर रहे हैं, इसे सबको समझना होगा। अंबिकापुर से श्रवण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रवण के पास भी हम आपको लिए चल रहे हैं और उनसे भी हम सवाल कर रहे हैं। श्रवण, एक बात बताएं, अभी क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया है इसे लेकर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, क्या ये क्लियर हुआ रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता है क्या, एक बात। दूसरी बात कि बार बार तीव्रता बढ़ रही है, ये ज्यादा परेशान करने वाली बात है। श्रवण, बिल्कुल, जिस तरह से तीव्रता बढ़ रही है, पिछले बार की अगर तुलना में देखा जाए तो इस बार भूकंप के झटके की जो तीव्रता है वो काफी तेज है और लगातार जो है ये बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो अंबिकापुर शहर है उसके जो चारों तरफ जो है वो कोयला की खदानें हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है भूकंप के झटके की। और दूसरी, जो नदी के जो लगातार जो है उत्खनन हो रहे हैं और लगातार रेत को यहाँ से लेकर के अन्य राज्यों में लेके जा रहा है, ये भी एक वजह मानी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से भूकंप के झटके सरगुजा जिले में आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो भयभीत हैं। और इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं वो स्थानीय जो प्रशासन है उससे भी निवेदन करना चाहते हैं कि आखिर में जो ऐसी समस्या आ रही है उस पर निजात पाने के लिए क्या कदम किया जाना चाहिए, या एहतियात बरतने के लिए किस तरह से जो है जागरूकता अभियान चला करके इस तरह से भूकंप के झटके, हालांकि जो अगर जो भूगर्भ शास्त्री की बात की जाए तो भूगर्भ शास्त्री का अलग ही तर्क है, उनका कहना है कि जो सेल है वो कहीं ना कहीं अगर जो धरती के नीचे जो सेल है वो खिसकता है और इसकी वजह से होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि यहाँ के जो जो लोग हैं वो इससे परेशान हैं और भूकंप के जो झटके हैं अभी तो फिलहाल 5 जो मापा गया है, और ये भी महसूस किया गया है कि दोबारा भी रिपीट करके ये भूकंप के झटके अंबिकापुर वासियों के लिए यहाँ पर देखा गया है। लेकिन अगर कहीं ये भूकंप के झटके और बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वरुण भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सूरजपुर आपको लिए चलेंगे, क्या कुछ अपडेट वरुण सूरजपुर से? ललित, देखिए जिस तरह से 8:03 में 4 से 5 सेकंड के लिए भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किया, और ठीक जो दूसरी बार जैसे बताया जाता है कि उसके बाद भी भूकंप की आशंका होती है, वही स्थिति अभी 8:23 में फिर 3 से 4 सेकंड तक के भूकंप के जो झटके हैं दोबारा महसूस किए गए। ऐसे में जो अभी तक खासकर रिएक्टर और जो पूरा डेटा अभी तक मौसम विभाग के द्वारा नहीं आया है, लेकिन जो फुंडू टिहारी करके जगह है सरगुजा में, वहां से इसका जो केंद्र बिंदु है वो बताया जा रहा है। और जो हमारे साथ कुछ लोग भी है जो यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए थे, हम उनसे जानते हैं कि भैया क्या कुछ स्थिति रही जब भूकंप आया यहाँ। अभी हम लोगों ने 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए, मैं जैसे घर ही में बैठा हुआ था और अचानक पंखा हिलने लगे, बिस्तर हिलने लगे, तो डर के मारे सभी हम लोग बाहर आ गए और एहसास हुआ कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो लगातार ये 1.5 साल में चौथी बार है जो ये सूरजपुर में महसूस किए गए, तो क्या कुछ लगता है कि इसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा कुछ स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए? बिल्कुल, ये लगातार मुझे लगता है कि ये चौथी बार हो चुका है और इसके लिए जरूर मौसम विभाग को कुछ गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी, अन्यथा कुछ बड़ी जनहानि हो सकती भविष्य में। तो ललित जी, देख सकते हैं कि जो भूकंप के झटके जिस तरह से होते हैं, लोगों में भी एक डर बना हुआ है कि आखिर ये क्यों ये स्थिति हो रही है सूरजपुर संभाग, सरगुजा संभाग में। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधानी से इसी तरह खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। और इधर बाढ़ बारिश के बाद डेंगू लगातार डंक मार रहा है, छत्तीसगढ़ में स्थितियां बिगड़ रही हैं, हर रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों को लेकर राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों की बैठक हुई है। डेंगू डंक मार रहा है, डेंगू डरा रहा है और अब ये जानलेवा भी हो गया है। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों ने दस्तक दी है, कभी आई फ्लू तो कभी डायरिया ने और अब डेंगू ने। ये इतना खतरनाक हो गया है कि जो भी इसकी चपेट में आया वो जिंदगी और मौत से जूझने लगता है। प्रदेश में अब तक 247 से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। दुर्ग में तो हालात ऐसे हैं कि यहाँ डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है, अकेले दुर्ग में 104 मामले सामने आए हैं। राजगढ़ में भी 69 डेंगू मरीज मिले हैं, वहीं राजधानी में 8 मरीज अब भी अस्पताल में हैं। अब बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, निजी अस्पतालों और लैब को डेंगू मरीज के लिए एलाइजा टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं।
डेंगू की बीमारी को रोकने के लिए मच्छरों पर कंट्रोल करना, साथ ही समय पर उपचार करना बहुत जरूरी है। सभी को प्रयास ये करना चाहिए कि समय पर हम अपना इलाज करवा लें। अगर 3 दिन में इलाज से सुधार चालू नहीं होता है तो तुरंत अस्पताल चले जाएं। शासन की ओर से जांच की, उपचार की, भर्ती करने की और सभी प्रकार के रेफरल की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। डेंगू इतना खतरनाक हो गया है कि क्या नगर निगम, क्या स्वास्थ्य विभाग, क्या शिक्षा विभाग, हर कोई एक्टिव मोड पर है। निगम सफाई पर ध्यान देने में जुट गया है तो वहीं स्वास्थ्य विभाग उपचार, शिक्षा विभाग जागरूक करने पर। मतलब साफ है कि डेंगू को हराने के लिए सभी एक हैं। अब आपकी बारी है, क्योंकि खतरनाक बीमारी घरों में रखे साफ पानी से पनपती है, इसलिए अपने घरों और आसपास में सफाई करना शुरू कर दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, साफ पानी में अंडे देता है, तो साफ पानी का ठहराव हमें रोकना है। साफ पानी कूलर में, फ्रिज के डिफ्रॉस्टे में, घर के अंदर पानी के बर्तन में या टॉयलेट के बाहर रखे हुए पानी के बर्तन में या कहीं पर भी जो निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पानी अगर जमा हो जाता है जो स्वच्छ रहता है, यहाँ पर ये मच्छर पनपता है। तो इसको नष्ट करने के लिए इनका हमें स्रोत नियंत्रण करना है। स्रोत नियंत्रण में एक तो लार्विसाइड का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए नालियों में गबुजिया मछली को छोड़ा जाएगा जो लार्वा को खाती है और मच्छर को पनपने नहीं देती। इस साल डेंगू के अब तक 3,017 से ज्यादा जांच हो चुकी हैं, जिसमें से 247 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। 127 से अधिक मरीजों के इलाइजा टेस्ट हुए हैं। हालांकि डेंगू के मरीज पिछले कुछ सालों के मुताबिक कम मिले हैं। साल 2020 में 9,724 टेस्ट किए गए थे, इसमें से 2,679 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले, 10 की मौत हो गई। बाद 2021 की अगर करें तो उस साल भी डेंगू के 4,401 मरीजों की जांच हुई, इनमें से 1,086 मामले सामने आए। अब ऐसे में अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आप भी अलर्ट हो जाइए। अपने घरों के आसपास गमले और कूलर की सफाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफाई ही डेंगू का खात्मा है। न्यूज 18 के लिए रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ बीजेपी घोषणा पत्र समिति के समन्वयक और दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल इन दिनों बिलासपुर संभाग के दौरे पर है। लगातार लोगों से मिलकर उनसे बातचीत वो कर रहे हैं। भिलाई पहुंचने पर न्यूज 18 ने विजय बघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इसमें उन्होंने ईडी से लेकर सीडी तक पर सरकार को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हर धर्म का सम्मान करें, लेकिन हम किसी धर्म के आक्षेप ना करें, उनकी भावनाओं को सम्मान करें, उनको सहयोग करें, प्रेम करें। लेकिन दूसरे तरफ कांग्रेस धर्मांतरण को हमेशा बढ़ावा दी है और ये इतिहास गवाह है और ये छत्तीसगढ़ में भी होने लगा है। तो बहुत दुख की बात है, धर्मांतरण जहाँ हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारे साथी लोग जाते हैं, कुछ विश्व हिंदू परिषद के, कुछ बजरंग दल के लोग जाते हैं, कुछ अन्य लोग जो इससे अभिशप्त हैं वो लोग जाते हैं। तो पुलिस कार्रवाई जो धर्मांतरण करने वाले हैं उसके ऊपर ना करके जो रोकने जा रहे हैं उसके ऊपर करती है। इसके लिए कोई ठोस कानून बनना चाहिए और हम निश्चित रूप से जब सरकार आएगी उस पर रोक लगाएंगे और जो अव्यवस्था फैल रही है उससे छत्तीसगढ़ को बचाएंगे। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, सब इंजीनियर और एक क्लर्क निलंबित किए गए हैं। लुंड्रा जनपद में पदस्थ सब इंजीनियर और क्लर्क सतीश सिंह, सब इंजीनियर का नाम रविंद्र यादव, निलंबित कर दिए गए। रिश्वत लेते हुए इंजीनियर का वीडियो वायरल हुआ था, क्लर्क का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने निलंबन के आदेश दिए। और